वेलकम बैक। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइनली नोकिया स्मार्ट टीवी डिलीवर हो चुकी है और ये है नोकिया 2021, नोकिया 2020 का अपग्रेडेड वर्जन। और इस टीवी में आपको काफी कुछ चीजें अपग्रेडेड देखने मिलने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम इसी नए नोकिया स्मार्ट टीवी का डिटेल रिव्यू करेंगे एंड उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो अगर आप भी इस टीवी को बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इस टीवी में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं और एट द एंड हम जानेंगे कि क्या ये टीवी आपके लिए लेना सही होगा या फिर नहीं। इसी के साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल निकल कर आती है तो बस वीडियो को लाइक कर देना है आपको। चलिए वीडियो को यहां पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टीवी को कम्प्लीटली अनबॉक्स कर लिया है और टीवी के बॉक्स के अंदर आपको टीवी के अलावा ये सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं, जिसमें सबसे पहला है यूज़र मैनुअल। तो अगर आपको टीवी यूज़ करना नहीं आता है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस यूज़र मैनुअल की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक AV कन्वर्टर मिल जाता है। अगर आप अपने टीवी में सेटअप बॉक्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस कन्वर्टर की मदद से बड़े ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें है वॉल माउंट किट। तो इस टीवी के साथ में आपको वॉल माउंट किट भी फ्री दिया गया है। बात करते हैं फेवरेट पार्ट जो कि है टीवी का रिमोट। यहाँ पर मुझे ये रिमोट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी हैंडी है और इसकी थिकनेस भी ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं बटन्स की, तो यहाँ पर आपको सारे रिक्वायर्ड बटन्स मिल जाते हैं और अच्छी बात यह है कि आप एक सिंगल फिंगर से पूरे रिमोट में जो है वो नेविगेट कर सकते हो। हर एक बटन तक आप जो है इजीली रीच कर सकते हो। बॉटम एरिया यहाँ पर आपको पूरा ब्लैंक देखने मिलता है। नोकिया की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और ऑलमोस्ट सारे बटन्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं एंड बैटरीज भी आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर मिलती हैं जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा ली है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो रिमोट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैंडी है और बहुत ही मतलब लुक के मामले में मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया है। इसके अलावा टीवी के बॉक्स में आपको मेटेलिक स्टैंड भी देखने मिल जाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार के देखने मिलते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये जो दोनों स्टैंड्स हैं ये मेटल के हैं तो यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से टीवी को होल्ड करके रखते हैं। वेट मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है एंड जो प्रॉब्लम हमने पहले OnePlus के टीवीज़ में देखा था कि टीवी वॉबल करती है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। टीवी काफ़ी स्टडी है, आप जरा सा पुश करते हैं तो टीवी जो है वॉबल नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर देखने मिल जाती हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम टीवी के लुक्स एंड डिज़ाइन की। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस टीवी में जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन हैं, जिस वजह से टीवी का जो लुक है वो काफ़ी एनहांस हो रहा है और यहाँ पर हमें एक फुल व्यू डिस्प्ले देखने मिल रही है। बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम में यहाँ पर हमें एक साउंड बार अटैच मिल जाता है और इसके ऊपर जो फैब्रिक की कोटिंग दी गई है वो इस टीवी के लुक को और भी प्रीमियम बनाती है। तो ओवरऑल जो फ्रंट का लुक है वो काफ़ी अच्छा है और मैं अगर एक शब्द में बयां करूँ कि टीवी कैसी लगती है तो इस टीवी को देखने के बाद एक ही शब्द निकलता है जो कि है परफेक्ट। जी हाँ, जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी परफेक्ट लगता है और टीवी जो है एक जेंटलमैन जैसी लगती है। यहाँ पर आपको मेटेलिक स्टैंड्स भी मिल जाते हैं एंड यहाँ पर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आपको नोकिया की ब्रांडिंग मिल जाती है और साइड में यहाँ पर पावर्ड बाय ऑनक्यू यहाँ पर मेंशन किया हुआ मिल जाता है बिकॉज टीवी के अंदर आपको 48 वॉट के ऑनक्यू पावर्ड स्पीकर्स दिए गए हैं। टीवी की थिकनेस भी काफ़ी कम है और टीवी के जो एजेस हैं इसके ऊपर आपको एक सिल्वर से स्ट्रिप मिल जाती है जो कि अगेन टीवी के लुक को एनहांस करती है। बात करते हैं टीवी के बैक पैनल की, तो यहाँ पर जो इस प्राइस रेंज में टीवीज आते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि बैक पैनल में जो पोर्ट्स होते हैं वो इजिली एक्सेसिबल नहीं होते हैं अगर आप टीवी को वॉल माउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं वो एक्सट्रीम एजेस पर दिए गए हैं और आप इजिली यहाँ पर सारे पोर्ट्स को रीच कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे टीवी में काफ़ी अच्छी लगी है और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वॉल माउंट करते हैं तो पोर्ट्स जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं, बट नोकिया की इस टीवी के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो बैक पैनल है वो मेटल का है और जो प्लास्टिक भी यहाँ पर यूज़ किया गया है उसकी क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो आई डोंट थिंक जो बिल्ड क्वालिटी है उसके रिलेटेड कोई भी डाउट यहाँ पर होना चाहिए। बात कर लेते हैं पोर्ट्स की, तो यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, एक LAN पोर्ट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक एंटीना पोर्ट मिल जाता है, SPDIF पोर्ट मिल जाता है। इसके नीचे यहाँ पर हमें 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जो पहला पोर्ट है वो EAC सपोर्ट करता है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें HDMI 2.1 पोर्ट देखने मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक हेडफोन जैक पोर्ट देखने मिल जाता है और यहाँ पर हमें AV-IN पोर्ट भी दिया गया है। जो कनेक्टर आपको साथ में मिलता है वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और टीवी की दूसरी साइड आपको जो है वो पावर केबल का सॉकेट मिल जाता है। टीवी का जो बैक पैनल है वो कुछ इस प्रकार देखने मिलता है। एक पॉइंट यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि वॉल माउंट करते भी हैं
तो आप इजीली यहां पर पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए यहां पर बात करते हैं टीवी के यूआई की और मैं आपको कुछ सैंपल्स वगैरह भी दिखाता हूं इस टीवी के। तो यहां पर मैंने इस टीवी को कंप्लीटली सेटअप कर लिया है। नोकिया की ये नई टीवी एंड्रॉइड टीवी 11 के साथ आती है। इनफैक्ट नोकिया ने इस साल जितने भी नए टीवीज लॉन्च करे हैं उन सभी टीवीज में आपको एंड्रॉइड टीवी 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलता है। वेल, यहां पर हो सकता है कि आपको विजुअली एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10 और एंड्रॉइड 11 में उतना मेजर डिफरेंस ना देखने मिले, बिकॉज ये जो एंड्रॉइड टीवी यूजर इंटरफेस है ये आपको 9, 10, 11 में ऑलमोस्ट सेम सा ही देखने मिलता है। लेकिन यहां पर एंड्रॉइड टीवी 11 की बात करी जाए तो यहां पर आपको सिक्योरिटी एनहांस मिलती है। इसके अलावा जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसको भी यहां पर इंप्रूव किया गया है। एग्जांपल के तौर पे यहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यहां पर प्राइम वीडियो एप्लीकेशन ओपन करा था, तो वापस से यहां पर अगर इसे ओपन करता हूं तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो यानी कि यहां पर जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी रैम में स्टोर रहते हैं। नेटफ्लिक्स भी यहां पर मैंने ओपन करा था और जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स भी यहां पर जो है फटाफट से ओपन हो चुका है। इसके अलावा जो ऐप की लोडिंग स्पीड है वो भी यहां पर थोड़ी सी एनहांस मिलती है। बाकी जो यूजर इंटरफेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, कोई भी लैग यहां पर नहीं देखने मिल रहा है। आप फटाफट यहां पर जो है इजीली कहीं पर भी नेविगेट कर सकते हैं। अब यहां पर चलिए चलते हैं सेटिंग्स में और मैं आपको एंड्रॉइड वर्जन दिखा देता हूं। तो यहां पर हमें जाना होगा डिवाइस प्रेफरेंसेस में, अबाउट सेक्शन एंड बॉटम में हमें हमारा एंड्रॉइड टीवी वर्जन मिल जाएगा जो कि है लेटेस्ट एंड्रॉइड टीवी 11। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड टीवी 11 मिल जाता है और जो सिक्योरिटी अपडेट है वो 5 जुलाई का है। वेल, बैक आते हैं। यहाँ पर आपको ये टीवी जो है ये सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है, तो आपको एंड्रॉइड वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग गूगल असिस्टेंट। तो एक बार गूगल असिस्टेंट को भी मैं यूज कर लेता हूँ। प्ले 4K वीडियो ऑन YouTube। तो यहाँ पर हमारे जो 4K वीडियो है वो प्ले होना शुरू हो चुकी है। वापस चलते हैं बैक और मैं आपको कुछ और एप्लीकेशंस दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा इस टीवी के बारे में। यहाँ पर हम चलते हैं एप्लीकेशंस में और ये सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है इसलिए यहाँ पर आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट मिल जाता है और प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिनमें से बहुत सारे नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं एंड गेम्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो गेम सेक्शन यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं बाकी सारे एंड्रॉइड टीवीज की तरह, तो आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ गेम्स जो है वो इस टीवी में प्ले करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो काफी ज्यादा डिटेल में होने वाली है इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, यहां पर इस टीवी में आपको कुछ एप्स प्री इंस्टॉल मिलते हैं जिनमें से मेरा जो फेवरेट अभी तक का है वो है ये मीटिंग मोड। ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अब क्यों पसंद आया है वो देख लीजिए। यहां पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है वायरलेस कास्ट का और यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है विंडोज, मैक, एंड्रॉइड और आईफोन। यानी अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है आप इजीली अपने डिवाइस को इस टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने विंडोज़ और मैक के साथ ट्राई कर लिया है, एंड्रॉइड के साथ भी मैंने ट्राई कर लिया है, आईफोन फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने बाकी तीनों डिवाइसेस को यहाँ पर कनेक्ट करके देखा। काफ़ी अच्छी यहाँ पर कनेक्शन स्पीड आपको मिल जाती है। जो लैग वगैरह है वो होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उतना नहीं देखने मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोर्स का ऑप्शन मिलता है, HDMI के थ्रू यहाँ पर आप टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड बेसिकली मीटिंग मोड जो है उनके लिए है जो कि ऑफिस वगैरह में मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं। एंड एट द एंड यहां पर हमें एक लेजर का ऑप्शन मिलता है, तो अलग से यहां पर एक रिमोट आते हैं लेजर ब्लूटूथ रिमोट, तो आप उनको यूज करके यहां पर टीवी में प्रेजेंटेशन वगैरह भी दे सकते हो। तो ये एप्लीकेशन मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। वीडियो में आपको मैं सैंपल्स भी दिखाने वाला हूं अपने मैक और अपने एंड्रॉइड फोन के थ्रू। वेल, तो ये है टीवी का यूजर इंटरफेस। अब चलिए यहां पर मैं आपको कुछ वीडियो एंड ऑडियो सैंपल्स दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये टीवी कैसी परफॉर्म करती है। Ground rumbling for the fetus is 21.5 centimeters. And the diameter of the tumor is... Yeah, raat ho rahi hai, ma. Sorry, beta. Bahut yaad aa rahi thi. Okay, bye, 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 bye. Bye.
तो ये थे इस टीवी के कुछ वीडियो एंड ऑडियो सैंपल्स। आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा इस टीवी की परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन जैसे आप सभी को पता है, एक नॉर्मल कैमरा और एक सिंपल से माइक के थ्रू आपको एक्चुअल पिक्चर एंड ऑडियो क्वालिटी का आइडिया नहीं लग सकता। इसलिए बात करते हैं यहाँ पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, यानी मेरे हिसाब से मुझे ये टीवी कैसी लगी है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने नोटिस करी हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी की। देखिए, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक शब्द में बोलूं तो इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है और आपको कोई भी कमी जो है वो इस सेगमेंट में नहीं देखने मिलती है। वेल, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और हर एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर ये जो टीवी है ये VA पैनल के साथ आती है। यहाँ पर आपको 5000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिल जाता है और इसका जो इफेक्ट है वो आपने ऑलरेडी सैम्पल वीडियोस में देख लिया होगा। जो ब्लैक कलर्स हैं, जो डार्क सीन्स हैं, वो इस टीवी में काफ़ी अच्छे देखने मिलते हैं। ब्लैक आपको प्रॉपरली ब्लैक देखने मिलता है, डीप ब्लैक्स यहाँ पर आपको इस टीवी में देखने मिल जाते हैं। और अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो होने का और एक फायदा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें डार्क सीन्स ज़्यादा हैं, तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो होने की वजह से आपको डार्क सीन्स में जो ब्लैक कलर्स के डिफरेंट शेड्स हैं वो भी प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ब्राइटनेस की बात करते हैं तो ये जो टीवी है इसमें आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाती है। इससे पहले चैनल पर मैंने मी टीवी और वन प्लस टीवी को भी रिव्यू करा है और वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं उन टीवीज़ को यूज़ कर रहा था तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि टीवी में ब्राइटनेस की कमी जो है वो महसूस होती है, बिकॉज उन टीवीज में जनरली 300 के आसपास की ही ब्राइटनेस मिलती है। बट इस टीवी में आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी बेहतर मिलती है एंड जब मैं इस टीवी को यूज़ कर रहा था तो मुझे कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यस ब्राइटनेस की कमी लग रही है। तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में अगर हम बाकी सारे टीवीज के साथ कंपैरिजन करें तो इस टीवी में आपको ब्राइटनेस अच्छी मिलती है। हालांकि यहाँ पर ब्राइटनेस 500-600 निट्स की होती तो डेफिनेटली और भी अच्छी बात होती, लेकिन इस सेगमेंट में आपको ब्राइटनेस यहाँ पर अच्छी मिल जाती है एंड ब्राइटनेस की कमी आपको यहाँ पर नहीं देखने मिलेगी। एक चीज और जो यहाँ पर मैंने नोटिस करी है वो है रिफ्लेक्शन। देखिए, बजट टीवीज जो है जितने भी हैं उनमें रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन जो मैंने वन प्लस एंड मी की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो मी की टीवी में मुझे रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा देखने मिला था, लेकिन इस टीवी में उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आता है। लाइक सामने यहाँ पर पूरी विंडो ओपन है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोई ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं देखने मिलता है, तो ये चीज यहाँ पर मुझे अच्छी लगी है। बात करते हैं यहाँ पर हम कलर्स की। देखिए, कलर रिप्रोडक्शन भी इस टीवी का काफ़ी अच्छा है। कुछ सैंपल्स यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा और बेहतर कलर्स चाहते हो तो आप जो पिक्चर मोड है उसमें जाकर विविड सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपको यहाँ पर डायनेमिक नाम दिया गया है उसका, तो डायनेमिक मोड पर आपको जो है वो कलर जो है थोड़े से और भी पंची देखने मिलते हैं। इसके अलावा नोकिया के इन टीवीज में आपको और एक ऑप्शन दिया गया है और एक पिक्चर मोड दिया गया है जो कि है आई प्रोटेक्शन का। बेसिकली इस मोड में टीवी की जो ब्राइटनेस है और जो कलर्स वगैरह है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं ताकि आपके जो आंखें हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेन ना हो। तो ये मोड यहाँ पर यूजफुल है, अगर आप लेट नाइट टीवी वगैरह देख रहे हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। वेल, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस टीवी के HDR परफॉर्मेंस की। देखिए, ये जो टीवी है ये नोकिया 2020 का अपग्रेडेड वर्जन है। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर अपग्रेड करी गई हैं और मेरे हिसाब से एक परफेक्ट ऑप्शन निकल कर आती है ये टीवी। पहले HDR की बात कर रहे थे तो यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल्स वगैरह भी आपको प्ले करके दिखाए। इनफैक्ट मैंने खुद कुछ मूवीज़ और वेब सीरीज़ प्ले करके देखी जो कि HDR फॉर्मेट में आती हैं एंड यस, HDR परफॉर्मेंस इस टीवी में आपको अच्छी देखने मिलती है। स्पेशली मैं अगर कंपेयर करूँ इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में जो भी टीवीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको HDR परफॉर्मेंस अच्छी देखने मिलती है। डार्क सीन्स में भी जो डिटेलिंग्स हैं वो थोड़ी सी बेहतर दिखाई देती है। जैसे कि मैंने बताया, हाल ही में हमने वन प्लस और मीट को भी टेस्ट करा था तो उनसे बेहतर ही यहाँ पर हमें HDR परफॉर्मेंस देखने मिलती है। हालांकि यहाँ पर ब्राइटनेस 500-600 निट्स की होती तो और भी मज़ा आता, आपको HDR में डिटेलिंग्स और भी बेहतर देखने मिलती। लेकिन स्टिल, जैसे कि मैंने कहा कि जिस सेगमेंट में ये टीवी आ रही है उस सेगमेंट में HDR परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छी देखने मिल जाती है। एंड इसके अलावा Dolby Vision का सपोर्ट दिया गया है, तो अगर आपके पास Netflix का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ पर जाकर Dolby Vision कंटेंट भी एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल मैंने Netflix बंद कर दिया है बिकॉज बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है वेब सीरीज का, तो इसके लिए मैंने उसको सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। वेल, बात करते हैं यहाँ पर हम 4K अपस्केलिंग की। तो 4K अपस्केलिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाती है एंड 4K वीडियोस भी यहाँ पर आप बिना बफरिंग के देख सकते हैं। एंड बात करते हैं सेटअप बॉक्स अगर आप यूज़ करने वाले हो। देखिए, SD चैनल्स किसी भी 4K टीवी में आपको उतने अच्छे नहीं देखने मिलते हैं, मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो SD सेटअप बॉक्स अभी भी है आपके पास तो आपको यहाँ पर जस्ट ओके सी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बाकी HD सेटअप बॉक्स पर अगर आप स्विच कर सकते हो तो बेहतर होगा, बिकॉज HD चैनल्स आपको यहाँ पर अच्छे देखने मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से 4K में अपस्केल भी हो
जाते हैं। इस टीवी में हमें MEMC का भी सपोर्ट दिया गया है, तो मोशन ब्लर की भी बात कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने जितने भी टीवीज यूज़ करे हैं उनमें भी बहुत सारे टीवीज़ में MEMC का सपोर्ट दिया गया था, और मैंने वहाँ पर कहा भी था कि MEMC का जो सपोर्ट है वो दिया गया है लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता है। बट इस टीवी में मैं कहूँगा कि यस, यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो आपको देखने मिलता है। आप कुछ एक्शन सीन्स देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा जो मोशन ब्लर है वो थोड़ा कम देखने मिलता है, तो यस, यहाँ पर ये जो फीचर है वो इफेक्टिव निकल कर आता है। तो यहाँ पर आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं व्यूइंग एंगल की, जो कि मैं बोल रहा हूँ VA पैनल है, तो VA पैनल में आपको IPS पैनल के मुकाबले व्यू एंगल्स उतने अच्छे नहीं देखने मिलते हैं। तो VA पैनल के हिसाब से इस टीवी के व्यू एंगल्स अच्छे हैं। 30-45 डिग्री तक आप जाओगे तो आपको जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो प्रॉपरली विजिबल होंगी। उसके बाद जो है कलर्स जो है वो थोड़े थोड़े फेड आउट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन विद इन 30-40 डिग्रीज आपको जो है काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। VA पैनल के हिसाब से व्यू एंगल्स इस टीवी में आपको अच्छे देखने मिल जाते हैं। तो आई होप यहां पर अब मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ओवरऑल अगर मैं समअप करूं कि पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की कैसी है, तो यस, टीवी में आपको पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी देखने मिल जाती है, एंड जो कलर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। एचडी का परफॉर्मेंस भी इस टीवी की काफी अच्छी है, और सिंपल सा आंसर दूं, जब आप टीवी देखेंगे तो आप इन सब चीजों को भूल जाएंगे, आप जो कॉन्टेंट है उसे एंजॉय कर पाएंगे। वेल, बात करते हैं ऑडियो डिपार्टमेंट की। तो इस टीवी में हमें 48 वॉट की ऑन क्यू पावर्ड स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको 30 वॉट के फुल रेंज स्पीकर्स मिलते हैं और 18 वॉट के यहां पर आपको ट्विटर्स दिए गए हैं विद डॉल्बी एटमॉस एंड ऑन क्यू सराउंड साउंड सपोर्ट। ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो ऑडियो में आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। ऑडियो इज जस्ट परफेक्ट। जी हाँ, ऑडियो परफेक्ट है, चाहे हम बात करें बेस फ्रीक्वेंसीज की, ट्रिपल की या फिर हायर फ्रीक्वेंसीज की, सब कुछ यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। लाइक मैंने कुछ सैम्पल्स वगैरह भी प्ले करके देखे, मतलब मैं तो उसको यूज़ कर ही रहा हूँ, तो जो चीज़ें मैंने नोटिस करी, सबसे पहली बात, जो टीवीज आती हैं उनमें बेस की जो है कमी हमें महसूस होती है, लेकिन इस टीवी में बेस फ्रीक्वेंसीज काफ़ी अच्छी है, एंड अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम अप करोगे तो जो बेस है वो आपको फील भी होगा। इसके अलावा जो डायलॉग्स हैं वो भी काफ़ी क्लियरली सुनाई देते हैं, एंड जब हम वॉल्यूम को ज़्यादा ऊपर करते हैं, हाई करते हैं, तो यहाँ पर हमें डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं देखने मिलता, जो कि जनरली टीवीज़ में होता है। तो यहाँ पर मैंने 80 तक अप किया, बिकॉज उसके ऊपर जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाएगा और इतना कर नहीं सकता हूँ। तो यह स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड आई डोंट थिंक कि आपको स्पीकर से कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नोकिया की इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी दोनों ही अच्छी है, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी टीवी में दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो है पिक्चर एंड ऑडियो। अगर ये दो चीज़ किसी टीवी में अच्छी हो तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, एंड यस, नोकिया टीवी में ये दोनों चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। बाकी इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी 11 मिलता है यहाँ पर आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, स्मूथनेस भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, ज़्यादा लैग वगैरह नहीं देखने मिलता है। लगभग मैं इसे 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और एक दो बार कहीं कहीं पर मुझे थोड़ा सा लैग देखने मिला, बाकी इसके अलावा टीवी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है, और कुछ गेम सैंपल्स भी मैंने आपको दिखा दिए, यहाँ पर आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो, एंड गेम पैड जो होते हैं वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे पास ये डोंगल वाला गेम पैड है, ब्लूटूथ वाला गेम पैड भी कंट्रोल आता है, सस्ता वाला जो आता है 1500 का, ये गेम पैड भी आप इस टीवी के साथ में कनेक्ट करके गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी इस टीवी में वो है कनेक्टिविटी। यहाँ पर आप अपने आईफोन, मैक, विंडो और अपने और कौन से होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी जो है, सारे डिवाइसेज जो होते हैं वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको सैंपल भी दिखा दिया मेरे मैक को कनेक्ट करके, तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर आप कास्ट वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा बहुत लैग आपको जो है यहाँ पर देखने मिलता है, ये ऑब्वियस है, सभी टीवीज़ में होता है। एंड बात कर लेते हैं पोर्ट्स की, तो टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, HDMI 2.1 पोर्ट दिए गए हैं, ER पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, तो डॉल्बी एटमॉस वाला अगर आपके पास साउंड बार है तो आप इससे एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी का मजा ले सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर मैंने इस टीवी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इन केस अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बात करते हैं नोकिया स्मार्ट टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की। देखिए, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं और कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। प्रोज की बात करी जाए तो टीवी परफेक्ट है, लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज एंड पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है। तो इस टीवी में आपको सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई हैं। कॉन्स की बात करी जाए तो इस टीवी को मैं पिछले 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी तक मुझे इस टीवी में ऐसा कोई ऐसा मेजर कॉन नहीं देखने मिला है। कुछ छोटी मोटी इशूज़ हैं जो कि अपडेट के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। लाइक अगर आप जब टीवी ऑफ करते हो तो बटन प्रेस करने के बाद जो टीवी है वो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करती है, जो कि मेरे हिसाब से अपडेट के थ्रू सॉल्व हो सकता है। परफॉर्मेंस वाइज टीवी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, आपको ज़्यादा लैग नहीं देखने मिलता है। एक दो बार मैंने चीज़ें नोटिस करी कि कभी कभी बटन प्रेस करने के बाद टीवी थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड कर रही है, बट ये बहुत ही
रेयरली होता है, जो कि वंस अगेन अपडेट के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। तो इसके अलावा मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम इस टीवी में नहीं देखने मिली है, टीवी परफेक्ट है। सवाल आता है कि क्या ये नोकिया की टीवी आपको बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। यस दोस्तों, डेफिनेटली आप इस टीवी को कंसिडर कर सकते हो। मेरी तरफ से ये टीवी 100% रिकमेंडेड है और ये टीवी मैं यूज़ करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। और नोकिया 2020 से काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर अपग्रेड करी गई हैं परफॉर्मेंस वाइज, एंड HDR फॉर्मेट का सपोर्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, डॉल्बी विजन दिया गया है एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है। कनेक्टिविटी यहाँ पर इंप्रूव करी गई है डुअल बैंड वाईफाई के थ्रू। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें अपग्रेड करी गई हैं और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसकी जो